थैंक यू मैडम। भाई आज जो है ना अहमदाबाद से सूरत जा रहे हैं और सुबह के 6:30 बजे की हमारी ट्रेन है 6:40 की तेजस एक्सप्रेस और ऑलमोस्ट 9:30 बजे तक हम लोगों को पहुंचा देगी। गाड़ी कैसी है, क्या सर्विस मिलती है, वो चीज़ भी आपको बताएंगे। अभी हम लोग स्टेशन पर हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर जो है हमारी ट्रेन आएगी अभी। लेकिन ये जो ट्रेन आ रही है ना, इट इज़ समथिंग एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये जो तेजस एक्सप्रेस है ये आम तेजस एक्सप्रेस से थोड़ी सी अलग है। उसका कारण है, संदीप भाई बता रहे थे कि भाई ये जो है टोटल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, थोड़ा इसमें प्राइवेटाइजेशन भी है, मतलब प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से उसमें थोड़ी फैसिलिटीज का भी अंतर है। मतलब ये आम तेजस जो आप लोगों ने सुनी होगी उससे थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। तो लेट्स सी क्या फैसिलिटी होगी, अभी तक तो मैं भी अनजान हूँ, अभी आगे चल के ही पता चलेगा भाई क्या चीज़ है, क्यूकर है, कैसे है, तो सारी चीज़ आगे दिखाऊंगी आप लोगों ने। और प्रॉपर तरीके से आप जो है बने रहियो, मज़ा आओगा वैसे आप लोगों को इस ब्लॉग में। भाई तेजस एक्सप्रेस है और बाहर से तो दिखने में एक नंबर की लग रही है, अरे अंदर के सीटिंग वीटिंग देख लो भाई, ट्रेन तो शानदार लग रही है यार। और ये जो इस तरीके के जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना, मतलब इसमें ना मज़ा भी आवा है, क्योंकि पहले मैं इसे घूमता बहुत रहा था, पर घूमने के साथ साथ ना ये चीज़ और फालतू दिखाने लगा तो उसमें और भी ज़्यादा। सबसे खास चीज़ मेरा ये है, ये व्लॉग है ना, मेरी मेमोरी सेव हो रही है। सबसे खास पार्ट मेरे को ये लगता है, मेरी जितनी भी मेमोरीज हैं, मतलब मैं कहाँ कहाँ गया था, क्या था, वो सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। और कुछ मैंने पहले कुछ वीडियो बनाए थे, वो जब रिपीट देखे ना कुछ महीनों बाद, तो यार एकदम मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ हरा हो गया, सब कुछ ताज़ा ताज़ा हो गया, तो वो काम हुआ। तो इससे हमारी अब ये सारी जर्नी, जितनी भी जर्नी मैं करा करूँगा, सारी जर्नी आपने मैं कंटिन्यू दिखाऊँ। आने वाले टाइम में ना ये स्टेशन वो स्टेशन बनेगा, जो मैं बता दूँ आपने, वो स्टेशन बनने वाला है जो बिल्कुल मतलब 5 स्टार जिसने कहा अगर है ना, 5 मंजिल का होटल इस तरीके का। चलो मेरी ट्रेन जो है ना निकलने वाली है कहाँ से, ये हमारा आ गया डब्बा, सॉरी भैया थोड़ा सा साइड मिल जाएगी, थोड़ी सी साइड दे दो भाई, थैंक यू मैडम। अच्छा ये क्या बोलते हैं इसको, वेलकम गुलाब है। एक बात बताऊं, ये है ना यो वेलकम रोज मिल जाता हमने, और यो एक छोटी बात होना बढ़िया, मतलब पहले जो इंडियन रेलवे हमने गली छड़ी ला गया करती, मज़ा आ गया। और अभी तो इसके आगे क्या क्या फैसिलिटी है, हाँ जो लोग फ्लाइट करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट बोलूँगा तेजस, सबसे बेस्ट है, फ्लाइट से सस्ती टिकट है, फ्लाइट से अच्छी सर्विसेस है, और सीट आप समझ लो मूवी थिएटर में भी ऐसे नहीं, सॉरी मैडम, सीट आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ मूवी थिएटर में भी मतलब कम्फर्ट, मतलब फ्लाइट फ्लाइट ना हवाई जहाज भूल जाओ, भूल जाओ, मतलब बैठ गए ना इसके अंदर मज़ा इतना आ जाएगा। लास्ट तरीके का रीप देखो, ईप तो गुलाब दिया था मैडम ने, ई मैडम देगी अखबार मारता भाई, दिस इज एन फैसिलिटी देगी मैडम, ठीक है। उसने हम थोड़े चिकने से बत्ती दिखे होंगे वो भाई है ना, नाराज हो गया, बोला हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, मैडम तो उलाना दे दिया, और अब मैडम ले गाओगी गुलाब, अब ये जबरदस्ती गुलाब लिया जा रहा है। गलत है भैया, गलत है, और गुलाब भी आएगा, मुरझाया हुआ मुरझाया हुआ गुलाब आएगा, सुनो गारंटी नहीं आएगा। तेजस वालों ने दिल तोड़ दिया, तेजस वालों ने दिल तोड़ दिया, ये तो आपने मेरे को टाइटल दे दिया। तेजस वालों ने दिल तोड़ दिया, मैं ब्रेकफास्ट दे दिया एक नंबर का। ट्रेन है ना वाकई में बहुत ज़बरदस्त है, हम 90% फ्लाइट्स के अंदर सफ़र करते थे, एंड इट इज़ आवर सेकेंड टाइम के ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वंदे भारत भी जो है डेफिनेटली दिखाएंगे आपको। और ये तेजस एक्सप्रेस, इसके अंदर फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी लगी भाई, जैसे एक तो गुलाब अखबार, ये नाश्ता है, ये भी तो ये स्टार्टर है, स्टार्टर के अंदर इन्होंने कोकोनट वाटर दे दिया, प्लस बादाम दे दिए, बिस्कुट दे दिए, कॉफ़ी चाय, तो फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आपको एक स्टाफ की फैसिलिटी भी जो है ना इस तरीके से महसूस होगी कि एक 5 स्टार जो ट्रीट होता है उस तरीके से महसूस होगा, आपको कुछ भी जाहिल बना महसूस नहीं होगा। तो यस, इट इज़ आवर इंडियन रेलवे, और बहुत ही बेस्ट सर्विस लगी मुझे, और हर एक बंदा जो है ना, आप जैसे जो आपके लिए खाना सर्व कर रहा है, आप जो चीज़ें लेकर के आ रहा है, वो एक बहुत ही वेल मेंटेन्ड तरीके से ड्रेस्ड अप है। तो दिस इज़ द मेन एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रेन, एंड इट इज़ काइंड ऑफ ट्रेन लाइक जैसे आप किसी अच्छे होटल के अंदर आ रहे हो,
और आपको फील ही नहीं आएगा कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपको एक लग्जरियस फील आएगी। कितनी चीजें दे दी यार, थोड़ी देर पहले आपको कितना सामान दिखाया था, अब ये ब्रेक, अब ये लंच समझ लो या जो भी है ब्रेकफास्ट है, अभी तो पता नहीं आगे और केक क्या होगा भाई, थेपला है, एप्पल है, केड़े भी थे वो भाई साहब। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग सूरत रेलवे स्टेशन पर, और काफ़ी अच्छी ट्रेन थी। और मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि ये जो मैंने क्लिप बनाई थी इसके अंदर मेरी साउंड निकल गई थी, तो साउंड कैप्चर नहीं हुई, तो अभी बाद में वॉइस ओवर करके आप लोगों को ये चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। ओवरऑल ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, फ़्लाइट भूल जाओगे, आपको फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास मिलेगी। तो इट इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो आपको ज़रूर ट्रेन का, इसका सफ़र का आनंद ज़रूर लेना चाहिए।